पत्रकारों की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष अनिल जैन के नेतृत्व में पत्रकारों ने डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे को ज्ञापन दिया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकार कॉलोनी, पत्रकार भवन, अधिमान्यता के लिए कैंप जैसी समस्याओं से अवगत कराया गया। एसडीएम राघवेंद्र पांडे ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज चतुर्वेदी, रमेश गौड़, मुकेश पांडा, ओम प्रकाश मैथिली, शैलेंद्र गुप्ता, रवि परिहार मौजूद थे। मैं इस समय डबरा एसडीएम साहब के साथ हूं, जहां पे पत्रकार संघ श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा है ना ज्ञापन दिया गया। आइए बात, जो ज्ञापन दिया गया है और आपके द्वारा पत्रकारों को ध्यान में रखकर मीटिंग भी की जा रही है, उसमें आपका क्या कहना है? पत्रकारों की कुछ मांग है, इन्होंने कहा है कि पत्रकार भवन होना चाहिए, पत्रकार कॉलोनी होना चाहिए, पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, और आपकी एक अतिरिक्त मांग है कि स्वास्थ्य लाइसेंस में भी प्राथमिकता दी जाए। ये सारी मांगों पे विचार किया जा रहा है। पत्रकार भवन के बारे में हमने नगर पालिका को बोला है कि इनकी कुछ एक टेम्पररी व्यवस्था करें, और परमानेंट भवन के लिए तो शासन से अलॉटमेंट होगा तब होगा। कॉलोनी का मामला भी शासन स्तर का है, जमीन अलॉट होगी तब होगा, और सुरक्षा के लिए पुलिस को कवर किया हुआ है, तो आपकी प्राथमिकता को ध्यान में रखेंगे। जैसे आपने ग्वालियर रहते हुए काफी पत्रकारिता के लिए काम किया था, तो अधिमानता के लिए कैंप की भी एक समस्या आई है, अधिमानता करने के लिए। अधिमान्यता की एक समस्या है, अब ये इसके बारे में पीआरओ लेवल से बात करेंगे हम। यहाँ सभी लोगों से हमने कहा है कि अपने दस्तावेज जमा करें, अब उसकी कॉपी कुछ लोगों ने दिया है, उसका नहीं आया है, तो सारी कॉपी आ जाए तो हम पीआरओ को भेज के अधिमान्यता के बारे में कन्फर्म करेंगे। और आपके माध्यम से भी सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि अपनी जिस संस्था के लिए काम करते हैं, जिस चैनल के लिए या जिस माध्यम के लिए काम करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट करें। दबंग न्यूज के लिए ग्वालियर चंबल संभाग ब्यूरो चीफ मनोज चतुर्वेदी की रिपोर्ट।